हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, अब हम एक पर्टिकुलर चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, हमने बहुत हमारा गैप हो चुका है जो प्रीवियस वीडियो आया था हमारा फिजिक्स को लेके, उसके बीच में और आज की जो लेक्चर आने भी आएगा, जो आज का लेक्चर है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो चुकी है। तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू करेंगे पर्टिकुलर टू प्रीवियस वीडियो से, जहाँ पर आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ओके, जहाँ पे हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया ये चीज़ें पढ़ी थी। व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ये पढ़ा था हम, किसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। व्हाट वर द रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ओके, चीज़ें क्लियर है, ये हमने प्रीवियस पर्टिकुलर टू वीडियोज में देख लिया था। ओके, अब हम पर्टिकुलर, ये तो थोड़ा एक बायोलॉजिकल को रिलेटेड पार्ट आ चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्योर फिजिक्स। ठीक है, हम प्योर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं लाइट को लेके। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये आज का हमारा टॉपिक है। चीजें क्लियर है, हम ये टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। इस सबसे पहले ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, दो पार्ट होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। चीजें क्लियर है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इजी है। अगर मैं कहता हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स इन अ वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पर्टिकुलर इंटरफेस इट एंटर्स इन अनदर मीडियम। ठीक है, सॉरी, इन द सेम मीडियम, सॉरी। रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन एवर अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ वन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एट इंटरफेस, ठीक है, इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है, अगर वो पर्टिकुलर सेम मीडियम में हिट करने के बाद, अगर ये कहते हैं कि दिस इज मीडियम ए, दिस इज मीडियम बी, ठीक है, ये चीजें आपने पर्टिकुलर ग्लास लैब में पढ़ा होगा रेयर एंड डेंसर के बारे में। इसे क्लियर है, ओके। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि लाइट ट्रैवल कर रही है, दिस इज अ लाइट, कंसिडर लाइट पी, इसे क्लियर है, ये हमारा सर्फेस है। जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी दिस विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। देखो, ए मीडियम से ट्रैवल की है और वापस ए मीडियम में ही स्ट्राइक करेगा और चले गए, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, जहां पे पर्टिकुलर लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करती है एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस इट ट्रेवल्स बैक इन द सेम मीडियम। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्शन के बारे में। चीजें क्लियर है, यह हमारा हो गया मीडियम ए, मीडियम बी। चीजें क्लियर है, दैट इज रेयर डेंसर को एनी वन ऑफ देम। ठीक है, हम ए को रेयर कंसिडर करते हैं, बी को डेंसर डेंसर कंसिडर करते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग, दैट इज हमारी लाइट क्या थी, पी, लाइट पी, ठीक है, दिस वॉज अ रे ऑफ लाइट पी। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक नॉर्मल लाइन होगी। व्हाट इज नॉर्मल, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस, नॉट टू द लाइट, ठीक है, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। अब ये क्या होगा, अब ये टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, कुछ इसका पर्टिकुलर वे पाथ चेंज हो जाएगा और ये बेंड हो जाएगी। चीजें क्लियर है, यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चीजें क्लियर है, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल पाथ, लाइट ऐसी ट्रेवल करनी चाहिए थी पर ये थोड़ा बैंड हो चुके हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बैंड होती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है। जब पर्टिकुलर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर टू डेंसर, ठीक है, तो लाइट कैसा होता है, लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, विजिबल है, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। चीजें क्लियर है, रेयर टू डेंसर, अगर उसी के बारे में बात करते हैं, डेंसर टू रेयर में, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में कैसे ट्रेवल करती है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चीजें क्लियर है, ये होती है टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एट रिफ्रैक्शन कंडीशन। रिफ्लेक्शन में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, रिफ्लेक्शन में आपने स्मूथ रिफ्लेक्शन और रफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, ये हो गया रिफ्रैक्शन। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसका मतलब ये तो चीजें क्लियर हो गई, हम ये कंडीशन नहीं पढ़ने वाले, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्शन को मिटा देता हूँ, रिफ्लेक्शन कंडीशन। अब हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में हमने ये चीज क्लियर कर ली कि जब भी लाइट पास होगी, एक बिट जो भी लाइट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, वो हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, मींस इट विल चेंज इट्स मीडियम, ठीक है, मीडियम चेंज होगा तभी जाके रिफ्रैक्शन होगा। चीजें क्लियर है,
ओके okay. तो अब हम बात करते हैं कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म कह रहे हैं, तो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर जो रिफ्रैक्शन होने वाला है प्रिज्म से वो किस तरीके से होने वाला है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रेज, हाउ डज लाइट बिहेव व्हाइल पासिंग प्रिज्म इन रिफ्रैक्शन. ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं 1.1 हमारे बुक में दिया है. ठीक है, दैट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1 को हम देखते हैं. चीजें क्लियर है कि एक्टिविटी 1.1 किस तरीके से. ठीक है, यहाँ पर मैं एक्टिविटी पढ़ता हूँ. एक्टिविटी में क्या लिखा है मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्रॉइंग बोर्ड यूजिंग अ ड्रॉइंग पेंस, प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट सच दैट वे इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पी इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से ए बी ऑफ द प्रिज्म, टू पी से पी टू पी एंड क्यू ऑन द लाइन पी एज शोन इन वॉट एवर फिगर 11.1 इन योर बुक. ओके, लुक द इमेज ऑफ फॉर द पिंस एंड सो ऑन. चीजें क्लियर है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रेस होने वाला है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाते हैं. ठीक है, एक प्रिज्म रहेगा हमारा. तो ये हो गया हमारा प्रिज्म. ठीक है, अब प्रिज्म को हम नेम दे देते हैं, कंसीडर ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ये हो गया हमारा प्रिज्म एक्टिविटी 1.1. ये कहता है कि सबसे पहले प्रिज्म ड्रॉ कीजिए. ओके, हमने कर ली. उसके बाद वो कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए व्हिच विल बी इंक्लाइन टू द सरफेस ए बी, व्हिच विल बी इंक्लाइन टू द सरफेस ए बी. चलो ये कर लेते हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. इसे हम ना, अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप एक पिन पिन रख दीजिए, कंसिडर पिन पी एंड क्यू, इसे हम पी और क्यू नाम दे देते हैं. ये चीजें क्लियर हो गई. ओके, अब हम बातें आते हैं रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था, व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक अ पर्टिकुलर इंटरफेस ऑफ टू मीडियम इट विल चेंज इट्स पाथ एंड इट विल बेंड. ओके, अब ये कैसा है, ग्लास इज डेंसर मीडियम. ग्लास कैसा है, ग्लास इज डेंसर मीडियम. ये हमें पता है कि ग्लास इज डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम. ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम है. एंड एयर इज रेयर मीडियम, एयर इज, एयर कैसा है, रेयर मीडियम है. रेयर मीडियम आप रेयर मीडियम कह सकते हो या फिर रेयर मीडियम. चीजें क्लियर है. ओके, अब हमने अभी चीजें पढ़ा कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होनी चाहिए लाइट. चीजें क्लियर है, तो नॉर्मल क्या होता है, हमने नॉर्मल के बारे में पढ़ा था. नॉर्मल क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन टू द सर्फेस नॉट टू द लाइट. ठीक है, ये हमारी सर्फेस है, ए बी हमारी सर्फेस है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे जहां पे पर्टिकुलर इंसिडेंट रे. ठीक है, इस जो पर्टिकुलर लाइट आ रही है इस लाइट को हम क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे. ये होती है हमारी इंसिडेंट रे. ये चीजें क्लियर है, ये इंसिडेंट रे हो गई. ओके, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इसे हम नॉर्मल कहते हैं. दिस इज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नॉर्मल. ठीक है, इसे हम नेम दे रहे थे, दैट इज एन 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 डैश. ये चीजें क्लियर है. ओके, व्हाट इज द रूल कि पर्टिकुलर व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो रेयर से डेंसर की तरफ मूव करिए तो एक्चुअल लाइट कैसी होनी चाहिए. एक्चुअल अगर ये बैंड नहीं होती तो लाइट विल बी लाइक दिस, इस तरीके से ट्रेस करता अपना पाथ लाइट, कुछ इस तरीके से लाइट ट्रेस होती. ठीक है, पर ये क्या करेगी, बैंड करेगी, तो बैंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, एक चीज हमने और एक चीज पढ़ी थी, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ अंटिल एंड अनलेस सम अनदर मीडियम स्ट्राइक. ठीक है, मतलब जब तक पर्टिकुलर एक लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है इट ऑलवेज ट्रेस अ स्ट्रेट पाथ. तो देखो यहाँ पे एक रेयर मीडियम में ट्रेवल करी तो स्ट्रेट पर ट्रेस कर रहा था, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करिए तो स्ट्रेट पर ट्रेवल कर रहा है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिगजैग होगी, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती है व्हेनेवर इट ट्रेवल्स इन अ सिंगल मीडियम. चीजें क्लियर है. ओके, अब जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस आ गया, दैट इज डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बन जाएगी. तो यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल, इसे हम नेम दे देते हैं, दैट इज एम एम डैश, एम एन एम डैश. ये चीजें क्लियर है. ओके, नाउ लाइट इज, अब हमारे लिए क्या हो गई, दिस इज आवर इंसिडेंट, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, पहले ये इंसिडेंट लाइट थी बिकॉज दिस वॉज आवर इनिशियल लाइट. अब हमारी सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी. ठीक है, रेयर डेंसर. अब सेकेंड कंडीशन क्या, डेयर डेंसर और रेयर. अब क्या हो रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करिए और डेंसर टू रेयर करते बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है. ठीक है, मतलब अगर ये लाइट कंटिन्यू स्ट्राइक करती तो कुछ इस तरीके से मूव करती, अगर ये कंटिन्यू होती तो पर्टिकुलर इस ये पाथ फॉलो करती लाइट इस तरीके से.
चीजें क्लियर है। पर लाइट कैसा करेगा बैंड, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा मतलब नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगा, ये हो गई लाइट, चीजें क्लियर है। अब आप जब पर्टिकुलर यहां से, अब हमने एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा, हमने एक प्रिज्म रखना था ठीक है, यहाँ पे टू पिन्स रखे, टू पिन्स अटैच करनी थी, और आपको फ्रॉम द अदर एंड, फ्रॉम द मतलब ए बी एंड पे आपको पिन्स रखना था, और ए सी एंड से आपको उसको पर्टिकुलर देखना था। अब देखने के बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे आपको टू पिन इमेजेस, ये जो पर्टिकुलर पिन है पी और क्यू, इसका आपको इमेज दिखेगा, दैट इज आर एंड एस, चीजें क्लियर है। ओके इस तरीके से ये मिटा देते, ये पार्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है। इस तरीके से आपका एक प्रिज्म का एक डायग्राम बनता है ठीक है, डायग्राम पर्टिकुलरली फिगर शुड बी परफेक्टली ठीक है। अब हम बात करते हैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, चीजें क्लियर है। ओके ये हो गई हमारी कंप्लीटली एक एक्सपेरिमेंट, अब हम नेमिंग करते धीरे धीरे देखते हैं। ओके अब सबसे पहले हम बात करेंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, ये तो चीजें क्लियर हो गई। ओके दिस इज इंसिडेंट रे, अब हम बात करेंगे, अच्छा नाम दे रहे देखे से पी क्यू, यहाँ पे हम नेम दे रहे थे ई, ये हो गई हमारी एफ, देख ले रहे पी क्यू ई एफ, ओके डन ठीक है, नेमिंग हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एंगल्स की ठीक है, सबसे पहले आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बाय एन इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही होता है। तो देखिए ये है हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज आर इंसिडेंट रे, दैट इज पी क्यू इज आर इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट ई एंड मेकिंग एन एंगल विद नॉर्मल एट दिस पोजिशन, ये हमारी पोजिशन हो गई, तो ये एंगल कैसा होगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय स्मॉल आई, चीजें क्लियर है यहां तक। ओके अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो जब रे रिफ्लेक्ट करती है फिर रिफ्रैक्ट करती है फ्रॉम द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल मेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब ये अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये कैसे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, देखो यहाँ पे दिस वाज आर इंसिडेंट रे, दिस वाज आर इंसिडेंट रे एंड दिस वाज आर रिफ्रैक्टेड रे, दिस वाज आर रिफ्रैक्टेड रे, ये चीजें क्लियर है। ओके अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नॉर्मल के साथ, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज ई एफ इज आर रिफ्रैक्टेड रे, ई एफ इज आर रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड जो पड़ेगा नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, ये चीजें क्लियर है। ओके दिस इज आर इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई पर्टिकुलरली रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गई हमारे रिफ्रैक्टेड रे, चीजें क्लियर है। ओके अब हमें और एक रे दिख रही है, दैट इज आर एस, जो आर एस रे है ये कैसी पर्टिकुलर हमारी जो फिगर है उससे बाहर आ रही है, मतलब इमरजेंट हो रही है, इसका नाम हम क्या देंगे, दैट इज इमरजेंट रे, ये हो गई हमारी इमरजेंट रे, चीजें क्लियर है। अब एंगल ऑफ एंगल इंसिडेंट रे जो एंगल बने उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो पर्टिकुलर एंगल बने उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, तो इमरजेंट रे भी तो कुछ पर्टिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे सॉरी इमरजेंट रे विद द नॉर्मल, तो यहाँ पे बनेगा विद द नॉर्मल, चीजें क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी एंगल ऑफ इमरजेंट दैट इज स्मॉल ई, ये चीजें क्लियर है। ओके यहां तक चीजें क्लियर है, सब कुछ है ना, इजी था। ओके अब यहां पे एक चीज देखते हैं, कुछ एंगल अलग अलग और एंगल्स हैं, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और आपको एक और एक एंगल मिलेगा, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हियर पी इज द इंसिडेंट रे, पी पी से लेके ई तक क्या है, इंसिडेंट रे, ई एफ ई एफ इज रिफ्रैक्टेड रे एंड एफ एस इज द इमरजेंट रे, सी एफ एंड एस इज द इमरजेंट रे, यू मे नोट दैट रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सर्फेस, दैट इज ए बी, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब एयर मीडियम से डेंस, एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ओके एक्सक्यूज, लाइट रे और रिफ्रैक्टेड हैज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट हैज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, सेम रूल्स ठीक है, एट द सेकंड सर्फेस ए सी द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हेंस इट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ऑफ द प्रिज्म, इज अ सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास स्लैब, द पिक्यूलर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बैंड एट द एंगल टू द डिरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे,
द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिविएशन. इन दिस केस एंगल डी इज द एंगल ऑफ डिविएशन. ओके, नाउ वी विल बी मार्किंग द एंगल ऑफ डिविएशन. अब एंगल ऑफ डिविएशन कहाँ होता है? अब एंगल ऑफ डिविएशन, डिविएशन मतलब कितनी पर्टिकुलर जो आपकी रे है वो कितना ज्यादा डिविएट हुआ है बाय इट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी ट्रेवल कर रही है और उस अपने पर्टिकुलर ओरिजिनल पाथ से वो कितना ज्यादा डिविएट हो चुका है, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन. अब देखते हैं एंगल ऑफ डिविएशन कहाँ हुआ. दिस वॉज आर इंसिडेंट रे, मतलब ये पर्टिकुलर रे हमारी स्ट्रेट जा रही थी. ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो गया, दैट इज रियर से डेंसर हो चुका, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज हो गया. अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो क्या ये पी ई जो इंसिडेंट रे वो स्ट्रेट ट्रेवल करती थी? अगर मीडियम चेंज होता तो हाँ सर, स्ट्रेट ट्रेवल करती. मतलब दिस वॉज इट्स ओरिजिनल पाथ, दैट इज ट्रेसिंग पी क्यू ई एंड सो ऑन, इट वॉज अ ओरिजिनल पाथ. पर क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन मीडियम दैट इज रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर, जो पर्टिकुलर हमारी ओरिजिनल लाइट थी वो डिविएट हो चुकी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एफ एस रे. अब एफ एस रे को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं मीट कर रही है. दिस एफ एस रे इफ यू एक्सटेंड ऑन द बैकवर्ड साइड इट इज मीटिंग पीई रे पीई एट सर्टन स्टेज. तो मतलब क्या, दिस वॉज ओरिजिनल पाथ जो उसे ट्रेस करनी चाहिए थी, पर वो पर्टिकुलर ये लाइन ट्रेस कर रहा है या फिर ये पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिविएट हुआ है, इतना ज्यादा चेंज इन एंगल मिला है पर्टिकुलर. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी. चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई, सभी टर्मोलॉजी एंगल ऑफ डिविएशन कैसे मेंशन करते हैं. ठीक है, ये जब पर्टिकुलर आप ये फिगर बनाओगे हमारे आपके नोटबुक में, तो इट शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ स्केल. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने विदाउट स्केल किया तो समवॉट ऑन बोर्ड ठीक आया ना, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है. तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जब पर्टिकुलर नोटबुक में बनाओगे तो ये रफ वर्क या फिर रफ हैंडेड बनाना चाहिए, यूज पेंसिल एंड स्केल. और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सब्जेक्ट में, आप क्या करोगे जब भी आप लाइट की लाइट चैप्टर के किसी भी रे डायग्राम को आप बनाओगे लाइट चैप्टर में, तो योर पेंसिल शुड बी पिन पॉइंटेड. ठीक है, पिन पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए और एक रूलर होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर की. ठीक है, अब ये क्यों होनी चाहिए, यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहे हो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पे एक मीटिंग पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे पे यहाँ पे भी एक मीटिंग पॉइंट है. दिस शुड नॉट बी ओवरलैप, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वहां पे कंप्लीटली टू डिफरेंट रेज है, दिस इज अ सिंगल रे विच इज बेंडिंग. ठीक है, तो सिंगल रे में एंड नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस. मतलब अगर ये पर्टिकुलर हमारी सर्फेस है, ठीक है, तो ये अगर लाइट आ रही है तो दिस शुड बी पिन पॉइंट एंड लाइक दिस. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे रे राइटर फिर ऐसे मोटा सा कर दिए एंड सो लाइक दिस. ठीक है, दिस इज रॉन्ग, मुझे ये नहीं चलेगा. ठीक है, इट शुड बी पिन पॉइंट. तो ऐसे पर्टिकुलर फिगर बनाने के लिए आपको पिन पॉइंटेड ही पेंसिल का यूज करना है. चीजें क्लियर है? ओके, ये चीज हमें ध्यान देनी है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमने समझ लिया, इजी था, इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड. ओके ठीक है, ओके, ये बहुत नीट एंड वेल डायग्राम होना चाहिए, फिगर होना चाहिए. अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. अब हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म. विल बी सीइंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट. डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म. ओके, डिस्पर्शन देखते हैं, व्हाट इज द, पहले तो हम समझते हैं कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है, यू मस्ट हैव सीन द अप्रिशिएट एन रेक्टेंगुलर, सॉरी स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो. हाउ कूड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो. बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. द इंक्लाइंड रिफ्रैक्शन सरफेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म शोज हाउ एक्साइटिंग फिनोमिनन इट वॉज. ठीक है, तो यहाँ इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्शन ही ऐसा पर्टिकुलर ऐसा फिनोमिना है जो इस पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करता है. चीजें क्लियर है? ओके, द प्रिज्म हैज प्रोबेबिलिटी टू स्प्लिट द इंसिडेंट लाइट. अब हम यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं. ठीक है, फिगर शुड बी पिन पॉइंटेड पेंसिल के साथ.
इसे क्लियर है कि हमारा प्रिज्म बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रहेगी दिस विल बी द व्हाइट लाइट, इसे हम व्हाइट लाइट देखेंगे। व्हाइट लाइट का सोर्स क्या होता है, सन। दिस इज अ नेचुरल सोर्स, व्हाइट लाइट का एक नेचुरल सोर्स होता है, दैट इज सन। चीजें क्लियर है। अब हमें पता है कि स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगा, दिस शुड बी इट्स ओरिजिनल पाथ। चीजें क्लियर है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। पर जैसे ही ये ग्लास प्रिज्म में एंटर करेगा तो यहां पे क्या शो करेगा, रिफ्रैक्शन फिनोमिना आ जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन मतलब क्या, डिस्पर्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट है, जब भी हम प्रिज्म से ऐसे पास करते हैं तो दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट अप इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स, दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट अप इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो सेवन डिफरेंट कलर्स विल बी समवॉट लाइक दिस, ये फर्स्ट एंड दिस इज, ठीक है, दिस विल इन दिस बिटवीन यू विल गेट सेवन डिफरेंट कलर्स, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेज पर्टिकुलर स्प्लिट होते हुए दिखेगा, यहां से आएगा राइट फ्रॉम द दिस पॉइंट एंड सो ऑन। चीजें क्लियर है। अब स्केल के साथ बनाओगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन यहां एंड सो ऑन। चीजें क्लियर है। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर लाइट होती है बैंड होती है, तो आपको जो लोअर मोस्ट लाइट मिलेगी दैट विल बी वायलेट एंड टॉप मोस्ट आपको लाइट मिलेगी दैट विल बी रेड। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है कि पर्टिकुलर व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लाइट, तो इसे हम स्पेशल नाम देते हैं विब्योर। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहती है इसका, विब्योर जो होगा इसका एब्रीवेशन। ठीक है, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर, इट इज अ वायलेट लाइट, वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, अ शेड ऑफ ब्लू, ब्लू कलर का शेड होता है इंडिगो, दैट इज ब्लू। उसके बाद आता है ब्लू, फिर आता है ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ इज फॉर ऑरेंज, आर इज फॉर रेड। ठीक है, सारा डिफरेंट कलर्स जो आपको पर्टिकुलर देखने मिलेगा, एक रेनबो। ठीक है, रेनबो इसी तरीके से होता है, रेनबो इज मेड अप ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स। रेनबो कैसे दिखता है, रेनबो इज अ फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। जो पर्टिकुलर रेनबो बनता है वो रिजल्ट है एक फिनोमेना का जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के लिए आपको व्हाइट लाइट सोर्स लगता है, तो आपने देखा होगा रेनबो तभी होता है जब रेन और सनलाइट दोनों एक साथ प्रेजेंट होती है। सिर्फ रेन से पर्टिकुलर रेनबो दिखता है क्या, नहीं। जब भी आपको रेनबो देखना तो यू नीड टू कंपोनेंट्स, दैट इज रेन एज वेल एज सनलाइट। क्योंकि अगर व्हाइट लाइट ही नहीं रहेगा तो क्या स्प्लिट होगी कलर, नहीं। ऐसे एक चीज हमें पता चल गई कि व्हाइट लाइट इज एन कंपोजिट कलर, इट इज मेड अप ऑफ सेवन डिफरेंट बेसिक कलर्स। ठीक है, मतलब ये सेवन डिफरेंट कलर्स को अगर आप सेम प्रोपोर्शनेट में मिक्स करोगे तो यू विल गेट अ सिंगल कलर, दैट इज व्हाइट कलर। चीजें क्लियर है। ओके, ये चीजें समझ में आ गई। द वेरियस कलर सीन आर द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन अ पर्टिकुलर फिगर। ओके, द एक्रोनिमी ऑफ विब्योर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, ठीक है, तो ये जो बैंड होता है कंप्लीटली दिस, जो हमें कलर का एक कॉम्बिनेशन मिला, दिस इज द बैंड ऑफ कलर, सो दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सर क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ बैंड, इट इज अ बैंड ऑफ सेवन डिफरेंट कलर, सेवन डिफरेंट कलर्स। चीजें क्लियर है, ये होती है स्पेक्ट्रम। अब हम बात कर रहे थे सर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन देखते हैं। डिस्पर्शन एक फिनोमिनन है, दैट इज वी कैन डिफाइन इट एज स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स या फिर हम कह सकते हैं दैट इज सेवन डिफरेंट कलर। ठीक है, ये होता है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन यहां पे देखो, यहां पे आपको दो चीजें मिली, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट दैट वाज व्हाइट लाइट,
स्प्लिटिंग अप इनटू सेवन डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे डिस्पर्शन, तो ये जो फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे कौन सा फिनोमिना, दिस इज डिस्पर्शन फिनोमिना कॉजिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो फिनोमिना हो रहा है इसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। अभी डिस्पर्शन में आपको सेवन डिफरेंट कलर्स मिल गया, अभी सेवन डिफरेंट कलर्स को जब आप पर्टिकुलर एज ए बैंड कंसिडर करते हो तो इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे क्लियर है तो कंफ्यूज नहीं होना स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन में। दिस वॉज मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट भी कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल लाइट, ठीक है, सिंगल कलर्ड लाइट। क्रोमो मतलब कलर्स के बारे में बात होती है, सिंगल कलर लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। दैट इज सोर्स हमारा सन, नेचुरल सोर्स। व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इट इज गेटिंग डिस्पर्स्ड, ओके, इट इज गेटिंग डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज सेवन डिफरेंट कलर्स। तो दिस इज डिस्पर्शन फिनोमेना। अब ये डिस्पर्शन में जितने भी आपको कलर्स मिले हैं ऑब्जर्व हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर कलर्स को जो एक हम कंपोनेंट या फिर एक बैंड कहते हैं या फिर एक ग्रुप ग्रुप ऑफ कलर, ठीक है, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम। इट इज द बैंड ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये चीजें क्लियर है, ओके। वी हैव सीन दैट द व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इन सेवन डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। अभी एक क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम पर्टिकुलर सेवन व्हाइट लाइट से सेवन डिफरेंट कलर अगर बना सकते हैं, इफ दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी कैन स्प्लिट दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू सेवन डिफरेंट कलर। सो कैन बी मर्ज दिस सेवन डिफरेंट कलर टू फॉर्म अ मोनोक्रोमेटिक लाइट अगेन, ओके। तो ये अगर डाउट आता है तो इसके लिए हाँ, एक आइज़ैक न्यूटन थे हमारे साइंटिस्ट, वेल नोन साइंटिस्ट, आप सब जानते हो। आइज़ैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ही फाउंड दैट इफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्प्लिट अप बाय यूजिंग डिस्पर्शन फिनोमिना सो वी गेट सेवन डिफरेंट कलर्स, ओके, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या हम सेवन डिफरेंट कलर्स के साथ मोनोक्रोमेटिक लाइट को फिल्म बना सकते हैं? यस, एंड द एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुली डन। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट था, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज बेस ऑफ द प्रिज्म, दिस इज बेस ऑफ द प्रिज्म, दिस इज बेस एंड दिस इज अपेक्स, ठीक है, यही होता है प्रिज्म का, दिस इज बेस एंड अपेक्स। अब जब बेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट हमेशा सेवन डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगा, दैट इज रेड एंड वायलेट। चीजें क्लियर है? अगर हमें रेड एंड वायलेट कलर को मर्ज करके एक सिंगल वापस पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर आपको चाहिए, तो यू हैव टू कीप द नेक्स्ट प्रिज्म, वी हैव टू यूज अनदर प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म व्हिच शुड बी कंप्लीटली इन्वर्टेड टू दिस। क्लियर है? विच शुड बी इन्वर्टेड, दिस मीन्स एपेक्स एट डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बेस एट अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर इस तरीके से इसे रखोगे तो यू विल गेट, अब यहां पे हम देखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट वंस अगेन, ठीक है। अगर मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, अभी हमारी क्या थी, ये दिस वॉज अ रेड लाइट, दिस वॉज अ वायलेट लाइट। अब रेड और वायलेट लाइट क्या करेगी, ये ट्रेवल करेगी। अब देखिए डेंसर से रेयर में क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी। चीजें क्लियर है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये फिर से रेयर मीडियम से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मतलब बेस की तरफ बैंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेस की तरफ ही बैंड करेगी, तो इट विल बी लाइक दिस। चीजें क्लियर है? ये बेस की तरफ बैंड करेगी, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्पर्स हुआ था और एक्सपांड हुई थी, तो सेम अगर आप इसको इन्वर्स करोगे तो जो डिस्पर्स लाइट है वो वापस जाके आगे जाके मर्ज हो जाएगी, और मर्ज होने के बाद यहाँ से आपको फिर से एक सिंगल लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको दिखाई देगी, तो दिस विल बी मर्ज इन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये बनेगा आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो दिस विल बी पार्ट विल बी लाइक दिस। रेड लाइट, दिस इज रेड लाइट, दिस इज वायलेट, दिस इज रेड, दिस इज वायलेट, दिस इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज व्हाइट लाइट। सीख लिया? तो ये एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज तो प्रूव कर दी कि व्हेन एवर अ व्हाइट लाइट इज स्प्लिट अप पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट ऑलवेज गिव्स यू सेवन डिफरेंट कलर्स, दैट इज द फिनोमेनन डिस्पर्शन, ओके। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर है? ओके। अब ये भी हमें पता चल गया कि वी कैन, इफ वी get seven different colors from a single monochromatic light, then we can combine the seven different colors into a single monochromatic light also by using prism, ठीक है। जो second prism है वहाँ पे आपको जो rays देख रहे होंगे वो straight नहीं बनी है, पर आप scale use करोगे, चीज़ें clear है? आप perfectly मुझे straight line चाहिए,
ठीक है, कोशिश तो करोगे बन नहीं रहा है। चीजें क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, जो सेकंड प्रिज्म है, अगर आपको पर्टिकुलरली 7 डिफरेंट कलर से मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाए, तो आप क्या करोगे, सेकंड प्रिज्म को इन्वर्स कर दोगे, मतलब फर्स्ट प्रिज्म के जस्ट अपोजिट। ये चीजें क्लियर है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ फिनोमिनन रेनबो। ठीक है, वैसे भी अभी रेनी सीजन आ चुका है, ठीक है, वी आर एंटरिंग रेनी सीजन, सो आपको बहुत बार रेनबो देखने मिलेगा। तो ये रेनबो किस तरीके से बनता है, व्हाट इज द फिनोमिनन बिहाइंड दैट, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब रेनबो कैसे बनता है, रेनबो बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या पर देखिए, हमने देर शुड बी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए एंड अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आपको जो रेनबो दिखता है, ये क्रिस्टल से, एक्चुअली जो लाइट है वो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है। अब वहां पे आप एनवायरमेंट में क्रिस्टल तो नहीं होती है, पर आपको ड्रॉप्स मिलते हैं, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा एक वाटर ड्रॉपलेट है, तो वाटर ड्रॉपलेट बिहेव्स एज अ क्रिस्टल फॉर द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सन एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं सनलाइट यहाँ पे आ रही है, दिस इज आवर सनलाइट, दिस इज सनलाइट, दिस मोनोक्रोमेटिक सनलाइट। ठीक है, रेयर से डेंसर में बैंड आ रही है, तो क्या करेगी, दिस विल बैंड, दिस विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब ये बैंड करेगी, चीजें क्लियर है। अब एक और एक फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहां पे जो पर्टिकुलर सेकंड पॉइंट है, अगर इसमें हम नाम दे रहे हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे क्या होता है, एक एंगल बनता है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, जिसके वजह से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है बैक विद इन द ड्रॉपलेट। ठीक है, लाइट रेयर मीडियम से आ गई, दिस वॉज रेयर मीडियम, इसे आर ओ डी सी डिनोट करते हैं, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। चीजें क्लियर है, रेयर मीडियम से जैसे ही डेंसर मीडियम में ऐड किया तो रिफ्रैक्शन होता है, चलो हो गया, पर्टिकुलर एंटर कर गया, पाथ भी चेंज हो गई, बिकॉज दिस वॉज दिस ओरिजिनल पाथ, पाथ चेंज हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही पाथ चेंज हो चुका तो उसने क्या किया, डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रहा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन होने के लिए लाइट शुड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दिस इज ओनली द वैलिड कंडीशन फॉर टू अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रेयर से डेंसर में होता है तो रिफ्रैक्शन मिलता है, अब डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रहा था तो इसे कैसे होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा तो क्या होगा, जो लाइट है वो 100% रिफ्लेक्ट बैक करेगी, सेम एज अ मिरर, जो मिरर करता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होता है, नहीं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, अब यहां पे होगा। ठीक है, सॉरी, यहां पे बैंड हो जाएगी आपकी लाइट आउटवर्ड डायरेक्शन। इस कंडीशन में सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो होती है यहां पे इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल मतलब ये दो डिफरेंट कंडीशन है जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होता है, फर्स्ट लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड सेकंड क्रिटिकल एंगल कंडीशन। ठीक है, दैट इज एंगल आर शुड बी ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन नहीं कह सकते आप, एक स्पेशल केस कंडीशन होती है जहां पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, इसमें शायद आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, चीजें क्लियर है। ओके, ये होती है हमारी पर्टिकुलर। अब आपको जैसे ही ये डिस्पर्स होगा, तो इस कंडीशन में आपको एक डिस्पर्शन देखने मिलेगा, मतलब रेड और वायलेट का, मतलब कंप्लीटली बैंड देखने मिलेगा, दैट विल बी रेड और वायलेट। तो ये हमारा बनाता है रेनबो। ठीक है, ये होती है हमारी रेनबो कंडीशन, कि पर्टिकुलर एक रेनबो किस तरीके से हमारे बाय यूजिंग आर ड्रॉपलेट एज अ क्रिस्टल, या फिर हम कह सकते हैं प्रिज्म, सनलाइट एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखने मिलेंगे, दैट इज डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना। चीजें क्लियर है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और वाटर और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। चीजें क्लियर है, मतलब अगर आप पर्टिकुलर देखो, सन
और जो रेनबो है सेम साइड बन रहा है, नॉट ऑन द अदर साइड, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे होने चाहिए, यू शुड बी लाइक दिस, सन बिहाइंड यू, ठीक है, लाइट रे आप आएगी, आप यू आर सीइंग वाटर ड्रॉपलेट, आप यहाँ से इसको विजुअलाइज कर रहे हो, जैसे आप वाटर ड्रॉपलेट देखिए तो सनलाइट एंटर करेगी और रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, तो आपको कैसे दिखेगा, रेनबो कंडीशन आपको विजिबल हो जाएगी, चीजें क्लियर है? तो दिस इज द कंडीशन फॉर रेनबो, चीजें क्लियर है? क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर हाउ कैन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बाय यूजिंग स्कीमेटिक फिगर, तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाना है, चीजें क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है सभी चीज, ये चीजें क्लियर है यहां तक? ओके okay. अब हम आगे देखते हैं, देयर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देयर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना? एटमॉस्फेरिक है, ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिले ऑफ सनसेट, चीजें क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चीजें यहां तक क्लियर है? ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेयर, क्या करता है, एक आपका प्रिज्म के जैसे वर्क करता है, अब एटमॉस्फेयर प्रिज्म के जैसे वर्क कैसे करता है ये देखते हैं, ठीक है? कंसीडर ये हमारी अर्थ सर्फेस है, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस इज अर्थ एटमॉस्फेयर, और आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, चीजें क्लियर है? ये हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर है और आप यहाँ पे कहीं खड़े हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, अब हमें पता है कि जो सोर्स है दैट इज सन, इट इज एन यूनिवर्स, ठीक है, ये यूनिवर्स है, अब यहां से लाइट ट्रेवल करेगी, ये लाइट है, तो जो यूनिवर्स है यहाँ पे कैसा कंडीशन है, कंप्लीटली वैक्यूम कंडीशन, मतलब हम इसे रेयर कंडीशन कह सकते हैं, इसको आर यूज करेंगे हम फॉर रेयर कंडीशन, ओके, जैसे लाइट एंटर हमारी पर्टिकुलर एटमोसफेयर में एंटर कर जाती है, तो हमें पता है कि एटमोसफेयर इज समवॉट डेंस, विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ऑफ गैसेस, डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स एंड सो ऑन, ठीक है? तो अब जितना ज्यादा ग्राउंड की तरफ आओगे टू डाउनवर्ड डिरेक्शन में, उतना ज्यादा डेंस एनवायरमेंट मिलता है, मतलब पॉल्यूशन का है, पॉल्यूशन आपको नीचे मिलता है ना ऑन द ग्राउंड सर्फेस, जैसे जैसे आप अबाउट द ग्राउंड जाओगे तो आपका पॉल्यूशन लेवल कम होता है, क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम आपको ट्रोपोस्फेयर में दी मिलेगी, आपने 4 लेयर्स पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सो ऑन, तो जो पर्टिकुलर आपका एनवायरमेंट होता है, एक्चुअल एनवायरमेंट मतलब जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो कहाँ पे, तो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, उसके ऊपर में जो लेयर्स होती है वो कैसी होती है, दे आर लाइटर, दे आर रेयर मीडियम, तो अब हमारे क्या हुआ, यूनिवर्स दैट इज एंड अर्थ विल ट्रीट एज रेयर एंड डेंसर, ठीक है? पर अब जैसे ही लाइट पर्टिकुलर हमारे एटमोसफेयर में एंटर कर जाते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर प्रेजेंट है, चीजें क्लियर है? अब जैसे ही ये एंटर कर गई, ठीक है, अब ये एंटर कर जाएगी, फ्रॉम रेयर से डेंसर आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, चीज ये बैंड हो गई, अब जब कंपैरिजन ये दोनों के बीच में था, अब कंपैरिजन यहाँ पे हो गया, तो इस फर्स्ट केस में क्या था, डेंसर मीडियम था, बट एज वी आर गोइंग डाउन आर एनवायरमेंट गेटिंग आवर एनवायरमेंट इज गेटिंग मोर डेंसर एंड डेंसर, सो इस कंडीशन में क्या हो, अब ये रेयर के जैसे वर्क करेगा और दिस लेयर विल बी वर्क एज डेंसर, तो फिर से मतलब क्या हो, रेयर और डेंसर फिर से बैंड हो जाएगी, चीजें क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए, अब ये रेयर और ये डेंसर वर्क करेगा, फिर से बैंड हो जाएगी, फिर ये रेयर और फिर डेंस, तो इस तरीके से ये जो लाइट है पर्टिकुलरली बैंड होगी, अब हमने देखा था एंगल ऑफ डिविएशन दैट वाज नॉर्मल पाथ और डिविएटेड पाथ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब हमें विजिबल हो गई लाइट यहाँ से, वी आर स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन, अब हमें लाइट यहाँ से विजिबल होगी, और हमने एक चीज पढ़ी है, हमारा ऑब्जेक्ट वहीं से शो, वहीं पे शो करता है जहां से हमें लाइट दिखाई दे रही है, जहां से हम लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी इमेज हमेशा वही बनती है, चीजें क्लियर है? तो अगर मैं पर्टिकुलर लाइट यहां से एमिट करता हूँ, उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आपको कोई यहां पे चीजें दिखेगी, ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जेक्ट दिखेगा, बट एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या थी, इट वाज एट पॉइंट ए, बट वर्चुअली जो बैंड हो रही है तो आपको कहां पे दिखाई दे रही है, दैट इज पॉइंट बी, चीजें क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, ये एटमोस्फियर कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। सेम कंडीशन होती है, दैट इज एक कंडीशन आती है जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने पढ़ा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या हाँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमेना कैसा होता है? सेम फिनोमेना, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने मिलता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हमें प्रोडक्टली की जो स्टार है कंसिडर करते हैं हमारा स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे कोई खड़ा है, एक पर्सन है, एक बॉय खड़ा है जो पर्टिकुलर स्टार को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, सेलेस्टियल बॉडी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल लेयर्स हैं, ठीक है। एंड अब ये लाइट यहाँ से एंटर करेगी स्टार से, फिर बैंड हो जाएगी। इसको यहाँ पे खड़ा नहीं करते, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड, ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट यहाँ पे, मतलब लाइट कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है एट दिस कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो आपको लाइट कहाँ दिखाई देगी? आपको लाइट यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो स्टार की दिस इज एक्चुअल पोजिशन, दिस इज एक्चुअल पोजिशन, दिस इज वर्चुअल पोजिशन, चीजें क्लियर है? ये एक्चुअल हो गया, वर्चुअल पोजिशन हो गया। अब ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट एट एवरी पर्टिकुलर लेयर, आपको ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली बन शुरू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक टॉर्च लो, ये हमने टॉर्च को पर्टिकुलरली शुरू कर दिया। अब आप इस तरीके से अपना हाथ रखो, ठीक है, और इसको ऐसा मूव करो। आपका टॉर्च को कैसा है, कॉन्स्टेंट लाइट हो रहा है, कॉन्स्टेंट, इट इज कॉन्स्टेंट लाइट हो रहा है, बंद शुरू मत कीजिए। फिर इसको इस तरीके से पास कीजिए तो क्या होगा, ड्यू टू दिस फिंगर पहले टॉर्च कवर होगा तो आपको लगेगा लाइट बंद हो गई, फिर ड्यू टू दिस गैप आपको टॉर्च देखेगा तो लाइट शुरू, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि लाइट आपका कैसा हो रहा है, बंद शुरू हो रहा है, ठीक है। पर क्या एक्चुअल में लाइट आप ऑन और ऑफ कर रहे थे? नहीं, दिस वॉज द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सो दिस वॉज आर लाइट फ्रॉम द स्टार, दिस वॉज आर एनवायरमेंट विच वॉज पासिंग फ्रॉम द लाइट। सो इसकी वजह से क्या हो रहा, आपको लग रहा है कि इट इज कम्प्लीटली गेटिंग टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्विंकलिंग। और स्टार से जो पर्टिकुलर लाइट एमिट होती है तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमें कहते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आता है कि सर सन सन ट्विंकल क्यों नहीं करता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि सन सर सन ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते, स्टार से क्यों दिखते? बिकॉज स्टार जो होते हैं देट आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, स्टार से जो लाइट है, स्टार बहुत छोटे होते हैं, दिस इज द पॉइंट सोर्स एंड सन इज अ ह्यूज बिग सोर्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ये जैसे पर्टिकुलर स्टार है आपने टॉर्च को यूज किया है, ठीक है। अब जो सन है आपके घर में ट्यूबलाइट्स होता है, अब ट्यूबलाइट क्या आ गया, आप ऐसा कीजिए क्या वो बंद शुरू होगा? नहीं, यू विल बी सीइंग द कॉन्स्टेंट लाइट कमिंग फ्रॉम योर ट्यूबलाइट, ठीक है। बट बाय यूजिंग स्टार या फिर आप टॉर्च कह सकते हैं, यू विल बी सीइंग इट इज गेटिंग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ साइमल्टेनियसली, चीजें क्लियर है? बट ट्यूबलाइट के आगे नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इट इज अ बिगर सोर्स। तो सेम ऐसा ही कंडीशन होता है सन और स्टार में, जिसे हम कहते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये चीजें क्लियर है? ओके, अब इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ओके, ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू।